मैं तो पूरी तरह से तैयार हूँ वेकेशन पर जाने के लिए। देखो मैं हैट भी ले आई, कैमरा भी ले आई। क्या हुआ, आप अभी तक तैयार ही नहीं हुए? चलो चलो भाई, फ्लाइट निकल जाएगी। लो जी आ गए यहाँ, हम आ गए हैं नौरू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। अब आप पूछेंगे नौरू क्या है, चलो आपको इसके बारे में मैं बताती हूँ। और ये भी बताती हूँ कि यहाँ पर आने के लिए मैं इतना एक्साइटेड क्यों थी। क्या आप जानते हैं नाउरू इज द स्मॉलेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, और तो और ये सिर्फ 21 किलोमीटर में फैला हुआ है। मतलब इसका एरिया सिर्फ 21 किलोमीटर का है। इसको आप नाउरू भी बोल सकते हैं और इसका नाम नौरू भी है। ये एक इंडिपेंडेंट रिपब्लिक स्टेट है। यूं तो इस आइलैंड की कोई भी कैपिटल नहीं है, लेकिन सरकारी लोग कहीं तो बैठेंगे ना, कहीं तो सरकारी बिल्डिंग्स होंगी ना, तो इसके सरकारी अफसर बैठते हैं येरन में। यहाँ का प्रेसिडेंट देश का मुखिया और सरकार का मुखिया दोनों होता है। कहीं बैठे, रहना तो इसी 21 किलोमीटर एरिया में ही है। सोचिए 21 किलोमीटर का एरिया, ये तो वही बात हो गई कि अपने घर से निकले और ऑफिस पहुंच गए। भाई दिल्ली जैसी जगह में तो 21 किलोमीटर तो रोज का हमारा कम्यूट ही हो जाता है, आने जाने का। आने जाने का भी छोड़ो, एक ही तरफ का, और यहाँ तो पूरा का पूरा आइलैंड ही 21 किलोमीटर में खत्म हो जाता है। अब आपको बताते हैं यहाँ कितने लोग रहते हैं। तो भाई यहाँ सिर्फ 11,000 लोग रहते हैं। यहाँ पर ज्यादा लोग घूमने भी नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि आएंगे कैसे, लोगों को इसके बारे में ज्यादा मालूम ही नहीं है। आपको पता है साल 2011 में यहाँ महज 200 लोग घूमने के लिए आए थे। वैटिकन सिटी के बाद दुनिया की दूसरी सबसे छोटी आबादी वाला देश है ये। वैसे तो यहाँ की लैंग्वेज नॉर्वन है, जो कि एक माइक्रो एशियन भाषा है, जिसे यहाँ के 96% लोग बोलते हैं। ऐसे देखा जाए तो यहाँ मोस्टली इंग्लिश ही बोली जाती है। अब भाई इतना छोटा आइलैंड है तो मैंने बस 2 ही दिन का प्लान बनाया है। ज्यादा पैकिंग भी नहीं करनी पड़ेगी और पूरा का पूरा आइलैंड में घूमना फिरना भी हो जाएगा, है ना सॉर्टेड। लाइंग बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड हवाई, द आइलैंड ऑफ नाउरू इज एज फार फ्रॉम यूरोप एज एनी प्लेस ऑन अर्थ। क्या आप जानते हैं नौरू में सिर्फ एक ही एयरपोर्ट है, जिसका नाम है नौरू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हाँ तो और क्या, 21 किलोमीटर बड़े आइलैंड पर क्या 4 एयरपोर्ट होंगे? आप एक कमाल करते हो, इतनी तो जगह है ही नहीं यहाँ पर। खैर ये सब छोड़ो, एक ही एयरपोर्ट बहुत है यहाँ। क्या आप जानते हैं इस द्वीप को सुखद द्वीप भी कहते हैं, यानी कि द मोस्ट प्लेजेंट आइलैंड ऑन अर्थ। वो इसलिए क्योंकि यहाँ के लोग सुखचैन की जिंदगी गुजारते हैं, इनको किसी भी चीज की टेंशन नहीं होती है। ये भी सही है, आई एम जेलस नाउ। काश मेरे ऑफिस का एक ब्यूरो यहाँ होता तो मैं भी यहीं आके बस जाती। यहाँ के लोग क्रिश्चियन धर्म का पालन करते हैं, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी धर्म का पालन करते ही नहीं है। अब आइए आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत बताते हैं। तो भाई ये आइलैंड यानी कि नारू को करीब 3000 साल पहले माइक्रोनेशियंस और पॉलिनेशियंस द्वारा बसाया गया था, पर पारंपरिक रूप से 12 कबीलों का राज था यहाँ, जिसका असर इस देश के झंडे पर भी दिखता है। क्या आप जानते हैं 60 से 70 के दशक में यहाँ फॉस्फेट की माइनिंग होती थी, लेकिन उसके बाद अब वो एग्जॉस्ट हो गया। अब यहाँ नारियल खूब होता है, यानी कुछ और होना हो पर आपकी स्किन जरूर अच्छी हो जाएगी। नौरू में फुटबॉल सबसे पॉपुलर गेम है, यहाँ 8 टीमों के साथ एक फुटबॉल लीग भी है। लेकिन भारोत्तोलन इज नाउरूज नेशनल गेम। यहाँ की पॉपुलेशन इतनी कम है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग सुपर टैलेंटेड है। यहाँ के लोग ओलंपिक्स में भी पार्टिसिपेट करते हैं। करेंसी की बात करें तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन डॉलर चलता है। कैसे कैसे देश है ना इस दुनिया में, कितनी सारी चीजें हैं जानने के लिए, देखने के लिए। तो अगर आपके पास टाइम हो और आपको जरूरत हो सुकून की, तो आपको कहाँ जाना है ये मैंने आपको आज बता दिया, क्योंकि यहाँ तो वैसे भी कम ही टूरिस्ट आते हैं, तो शांति तो जरूर मिलेगी। चलो मैं भी जाती हूँ। देख नहीं रहे हो, पूरी पूरी तैयारी के साथ आई हूँ भाई। अब मैंने आपको सब बता दिया है, अब मैं जा रही हूँ घूमने। बाय बाय। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।